नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक रिडोर्ड हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MI के किसी भी फ़ोन में सॉफ्टवेयर को कैसे चढ़ा सकते हैं। वैसे मान लीजिए आपके पास कोई MI का फ़ोन है जो कि डेड पड़ा हुआ है, या फिर उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई है जिससे कि फ़ोन जो है बूट नहीं हो रहा है, मतलब कि फ़ोन मान लीजिए आप ऑन करते हो तो ऑन नहीं होता है, वो MI का जो लोगो है वहाँ पे स्टक हो जाता है। तो ऐसे में ऐसी प्रॉब्लम्स मान लीजिए बूट में अगर स्टक हो गया है तो उसको आप जो है फ्लैशिंग के द्वारा फिक्स कर सकते हो। ये जो मैं सॉफ्टवेयर चढ़ाने की मैं ट्रिक बताऊंगा, ये जो है लगभग जो भी सोमी के फ़ोन है उन सब के लिए जो है यूजफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब ऐसे में अगर जो आप कोई ऐसे एंड्रॉयड यूजर देख रहे हो जिसका कि ब्रांड अलग है, मान लीजिए सैमसंग या फिर लेनोवो या फिर कोई दूसरा आपका मॉडल है, तो चिंता करने की बात नहीं है। आपके लिए जो स्पेशल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक कर लें, या फिर जो कार्ड्स है कार्ड्स में आप चेक करो, कार्ड्स में वहाँ भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई और मॉडल है और आप सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग के बारे में जानना चाहते हो कि अदर फोन्स में भी सॉफ्टवेयर को कैसे चढ़ाते हैं, तो आप अच्छे से सीख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस मैं बताऊंगा, ये आप मान लीजिए कहीं सर्विस सेंटर में जाते हो कोई कंपनी के सर्विस सेंटर में, तो सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको सॉफ्टवेयर चढ़ा के देता है। अब ऐसे ही या फिर कोई लोकल शॉप की बात कर लें, मान लीजिए कोई दुकान जो कि लोकल मार्केट में है, तो वो भी जो है इसी मेथड से इसी भी यही ट्यूटोरियल से वो भी फ्लैश करके देता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई चिंतित होने की बात नहीं है, आप जो है अच्छे से जान पाओगे कि कैसे MI के फ़ोन में सॉफ्टवेयर को चढ़ाते हैं। दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, दूसरे कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो चिंता रोने की बात नहीं है, आपके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटा सा काम कर ही देना है यार, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और घंटी बटन को दबा दो और भी फ्यूचर वीडियोस के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप में ग्रुप में, ताकि और भी लोग जान पाए, ताकि वो भी पैसे बचा पाएँ यार। और नीचे आपको कमेंट कर देनी है MI सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग ट्रिक, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट कर दें, लेकिन ज़रूर कमेंट करें। अब ये जो मेरा फ़ोन है ये भी डेड हो चुका है, ये बूट पे टक जाता है, ऑन नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम है, मैं इसे भी फिक्स करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एक भी अगर स्टेप्स को अगर आप मिस कर जाओगे तो समझ नहीं पाओगे यार। तो अभी मैंने अभी अपने फ़ोन को मैंने फास्ट बूट में मैंने बूट कर लिया, वॉल्यूम डाउन बटन पावर बटन को दबा के, तो फास्ट बूट में ये चला गया। अब यहाँ पर आपको डाटा केबल लगा देनी है अभी, या तो बाद में भी लगाएंगे सॉफ्टवेयर को सब कुछ तैयार करके, तो उस टाइम भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बस ऐसे ही लगा दिया पहले ही डाटा केबल को। अब आपको अपने फ़ोन को रख देनी है, इससे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और यार फ़ोन में अब टच भी नहीं करना, तो इस तरह से अब जो है फ़ोन में डाटा केबल को लगा देने के बाद फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड में भी जा चुका है। सो अब जो है PC में चलते हैं, लैपटॉप में जो या फिर आपके पास जो कंप्यूटर है, जो भी PC है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेनी है। मैंने सॉफ्टवेयर को और फ्लैश टूल, USB ड्राइवर, तीन चीज़ को मैंने डाउनलोड करके अपने PC में मैंने रख दिया एक फोल्डर में, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रख दिया। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, जो आप फोल्डर बनाओगे वहाँ पर स्पेस मत देना, मैंने लिखा है MI सॉफ्टवेयर, वहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया फोल्डर में, फोल्डर के रीनेम में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे MI का सॉफ्टवेयर, फ्लैश टूल, USB ड्राइवर, मैंने ये तीन चीज़ को मैंने रख लिया। तो सबसे पहला काम, सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर को हमने एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया, और ये एक्सट्रैक्टिंग हो रही है। तो यार देखो, इस प्रोसेस से आप जो है ना किसी भी MI के फ़ोन में सॉफ्टवेयर को चढ़ा सकते हो, सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर सकते हो। सब फ़ोन का सेम प्रोसेस होता है। वैसे तो मैंने Redmi का 4A, Redmi 4 और Redmi Note 4, वो तो मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैंने 10-15 बार मैंने सॉफ्टवेयर को फ्लैश किया। और कुछ दोस्त के थे कुछ Redmi का 5A, तो मैंने उसमें भी सॉफ्टवेयर को मैंने चढ़ाया था। तो इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सब फ़ोन में आप MI का सॉफ्टवेयर सेम प्रोसेस से फॉलो कर सकते हो सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए। अब MI का जो फ्लैश टूल का सेटअप है उसे हम इंस्टॉल करते हैं। उससे हमने डबल टेप किया और
आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि MI का जो सेटअप है, आई मीन MI फ्लैश टूल थोड़ा सा लेट आएगा। उस पर हमने डबल टेप कर दिया, रन हमने कर दिया। ये देख सकते हैं MI का जो फ्लैश टूल था वो आ गया यहाँ पे पॉपअप होके। इसे भी यस कर दें इंस्टॉल, और ये भी हो ही चुका है और इंस्टॉलिंग कंप्लीट। सो नाउ USB ड्राइवर, तो USB ड्राइवर को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। वैसे तो जो भी MI का फ़ोन है, MI का जो फ्लैश टूल है और USB ड्राइवर सब में सेम लगता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इनका तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों का लिंक। और MI का जो जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो हर मॉडल का अलग रहता है सॉफ्टवेयर, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन लेने की बात नहीं है। USB ड्राइवर पर हमने डबल टेप किया, इंस्टॉल हम कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आपको आएगा कमांड में यहाँ पे Y लिखें, इंटर करें, फिर Y लिखें, इंटर करें, और ये देख सकते हैं इंस्टॉलिंग हो रही है। Y का मतलब यस होता है, तो ये इंस्टॉलिंग के लिए आप बोल रहे हैं यस 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 कर देने के बाद यहाँ पे वेलकम टू ड्राइवर आ जाएगा, तो डिवाइस ड्राइवर, तो यस कर दें। नेक्स्ट हमने कर दिया, हमारा जो USB ड्राइवर भी इंस्टॉल हो ही चुका है। अब जो स्टेप्स है वो MI का जो फ्लैश टूल है उसे हमें ओपन करना पड़ेगा। तो वो अब मिलेगा कहाँ पे? तो वो आपको मिलेगा डेस्कटॉप में, क्योंकि उसे हमने इंस्टॉल किया था। तो ये देख सकते हैं MI का Xiaomi फ्लैश टूल यहाँ पे है। सो ये डबल क्लिक आपको करनी है, रन यस। ये देखिए आपका जो ये MI का जो फ्लैश टूल है वो ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है, जो आपने सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट किया था उसे यहाँ पर आपको जो आपका वो जो सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है वहाँ पे आपको डालना है सिलेक्ट करके। वो अब कैसे सिलेक्ट करेंगे, डालेंगे तो वो यार सबसे पहले कट कर दो, वो जो जिसे मैंने ऑल सिलेक्ट किया उसे कट कर देनी है, कट कर दिया। अब वहाँ पर सबसे सेफ तरीका है, ये देखिए मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा था, वो जो एक्सट्रैक्ट हमने किया था, आपको इमेज जो आपको ये दिखता है ना फाइल, यहाँ पर आपके वो लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका लिंक बन जाएगा, एड्रेस बन जाएगा, तो उस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट हमने कर दिया, पेस्ट कर देने के बाद आपको आपका तो मान लीजिए जो फ़ोन आपका कनेक्टेड है, रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये फ़ोन दिख जाएगा। उसके बाद ये क्लीन ऑल, फ्लैश ऑल बैट, ये सब आपको चेक करके फ्लैश कर देनी है। फ्लैश करने के बाद ये देख सकते हैं सॉफ्टवेयर जो है चढ़ना स्टार्ट हो चुका है। सो यार ये बहुत ही इजी स्टेप्स है, ये सब हम घर बैठे ही कर सकते हैं, तो काफ़ी इजी ट्रिक है। अभी इन सब के लिए बहुत सारे लोग मतलब सर्विस सेंटर जाएंगे, कोई लोकल मार्केट जाएंगे, टाइम भी स्पेंड होता है यार। टाइम की वैल्यू मैं बहुत देता हूँ यार, क्योंकि समय ही तो सब कुछ है यार। तो ये फ्लैशिंग हो रहा है। वैसे आप अगर जो आप दूसरे फ़ोन के बारे में जानना चाहते हो, जैसे लेनोवो, नोकिया, सैमसंग, ये वो मतलब जो भी बहुत सारे फ़ोन है, मैं यार सबकी वीडियो में बनाते ही रहता हूँ, चाहे फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालने की बात हो या फ़ोन को अपडेट करने की बात। अगर जो आपका फ़ोन लॉलीपॉप, मार्शमेलो पुराने वर्जन में है तो उसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो में बनाती रहता हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा अपडेट वाला वीडियो, या फिर दूसरे फ़ोन को कैसे सॉफ्टवेयर चला, दूसरे फ़ोन में सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं उनका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी चेक कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आप ये सब बिल्कुल फ्री में सीख रहे हो यार। ये देखिए सॉफ्टवेयर जो है फ्लैशिंग सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग सक्सेसफुल के बाद आपको 30 सेकेंड वेट करना है, और हमने वेट कर लिया 30 सेकेंड। और अब अपने फ़ोन को फ़ोन से डाटा केबल को यार रिमूव करो और अपने फ़ोन को ऑन करो, और यार ये देख सकते हो आपका फ़ोन जो है बूट हो जाएगा, और इस तरह से आप जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है 100% फ्लैश सक्सेसफुल हो चुका है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने कोशिश किया शॉर्ट में ये वीडियो आपको बना दूं मैं जल्दी जल्दी, तो अपना जो कमेंट है वो नीचे ज़रूर कीजिएगा। और हाँ यार, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो रोको, लाइक करो सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दो यार, और भी फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। मेरा नाम संदीप है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।